आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थानी स्टाइल में कच्ची हल्दी की सब्ज़ी बनाना। और हल्दी के फ़ायदे तो बहुत ही ज़्यादा है, घुटनों का दर्द वगैरह, जोड़ों का दर्द ये ठीक होता है और हड्डियाँ मजबूत होती है। तो ये बिल्कुल विंटर स्पेशल रेसिपी है, तो इस सर्दी आप भी ज़रूर बना के खाइए। तो ऐसे तो कच्ची हल्दी खाई नहीं जाती है, तो सब्ज़ी बनाकर खाइए और पूरी सर्दी में 4 से 5 बार तो ज़रूर बना के खाइए, तो आपको जोड़ों का दर्द वगैरह सब गायब हो जाएगा। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मैंने 250 ग्राम हल्दी ली है, तो ये अदरक जैसे ही कुछ दिखती है। तो इस तरह से हम हल्दी ले लिए हैं, इसको धो लिए हैं, अच्छे से साफ कर लिए हैं और अब इसको छीलेंगे। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है मैंने उसको तोड़ दिया है ताकि अच्छे से छील सके, उसको भी छील लेंगे बाद में। तो इस तरह से चाकू लेके और चाकू को इस तरह से घसिए, ज़्यादा नीचे से छिलका नहीं हटाना है, खाली इस तरह से घिसेंगे आप, रगड़ेंगे तो ये छिलका आसानी से उतर जाएगा। तो इस तरह से हमें छिलका हटाना है इसका। तो ये देखिए इस तरह से पूरा छिलका हमें हटा देना है, छिलका बिल्कुल भी नहीं रखना है। और अब लेंगे कद्दूकस, तो इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे हल्दी को। तो मैंने ये छोटा ही लिया है, आप कौन सा भी कद्दूकस ले लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ी ही बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसी में कद्दूकस कर रही हूँ। तो सारी हल्दी को हम इसी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। तो ये सब करने से हाथ वगैरह एकदम पीले हो जाते हैं, अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है तो आप ग्लव्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है, तो मैं ग्लव्स वगैरह का नहीं यूज कर रही हूँ, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। कोई बात नहीं, पीले हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ये देखिए सारी हल्दी हम इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। फिर हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को गैस पे मैंने रख दिया है, और अब इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। तो ये देसी घी में ही बनती है ये सब्ज़ी, तेल में ना बनाएं, घी में ये सब्ज़ी अच्छी बनती है और गुणकारी होती है। तो कद्दूकस की हुई हल्दी इसमें हम डाल देते हैं। और एक बात, घी में बनाने का ये भी रीज़न है कि मतलब ये गर्म बहुत होती है हल्दी, तो घी में बनाएंगे तो ये गरम नहीं होगी, थोड़ी सी इसकी तासीर कम हो जाएगी घी में बनाएंगे। तो आप इसे घी में ही बनाएं और इस तरह लगातार चलाते हुए हल्दी को हम अच्छे से भून लेंगे। जब हल्दी अच्छे से भुन जाएगी तो ये मतलब हल्दी का जो कच्चापन है, कसेलापन है, वो नहीं आएगा। तो हमें हल्दी को हमें 7 से 8 मिनट तक लगभग इस तरह से लो फ्लेम पर भूनना है। हाई फ्लेम करेंगे तो आप ये चिपक जाएगी, तो इसीलिए एकदम धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट इसे अच्छे से भून लेना है। तो हल्दी हमारी भून रही है, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए मसाला बनाएंगे, तो मिक्सी का जार लिया है मैंने, एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है, 3 से 4 हरी मिर्ची डाल दी है और 10 से 15 लहसुन की कलियाँ डाल दी है। और अब थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब एक टमाटर लेंगे और टमाटर को भी उसी जार में पीस के हम प्यूरी बना लेंगे। तो ध्यान रखें प्याज मिर्ची का जो पेस्ट आप बना रहे हैं उसमें बहुत ही थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डालें ताकि वो पिस जाए, वरना अगर पिसे तो आप बिना पानी के भी पिस सकते हैं। तो ये देखिए टमाटर की प्यूरी भी हमारी बन के तैयार हो गई है, तो इसको साइड में रखते हैं। और अब हमें लेना है कि 1 बाउल दही लेना है, तो दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही होना चाहिए। तो दही में हम मसाले ऐड करेंगे, तो मसाले में मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च डाला है, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे तो दही ये देखिए एकदम स्मूथ हो जाएगा, गुठलियाँ वगैरह नहीं रहेंगी। और अब देखिए हल्दी भी तब तक हमारी भुन चुकी है, हम बीच बीच में हल्दी को भी चला रहे थे, तो हल्दी हमारी भुन के अच्छे से तैयार हो गई है। तो इसको पहले साइड में निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और डालेंगे, उसमें डाल देंगे हम जीरा और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें हींग। जीरा हमारा चटकने लग गया है, अच्छे से भुन गया है। उसके बाद हम डालेंगे जो हमने पिसा हुआ मसाला तैयार किया था, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन वाला, वो डाल देंगे।
और अच्छे से चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से चलाते हुए मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इस सब्ज़ी में हमें पानी नहीं यूज़ करना है बिल्कुल भी। तो ये देखिए इस तरह से हमें मसाले को पका लेना है। तो मसाला पक गया है, अब जो टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी वो भी डाल देते हैं और अच्छे से चलाएंगे और इसे भी लगभग 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे। इसी बीच हम इसमें अदरक को भी कद्दूकस कर देंगे। आप चाहे तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी अदरक इस तरह से कद्दूकस कर देंगे और मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पे मसाले को थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे 1 से 1.5 मिनट। ध्यान रखना पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। और ये मसाला पक चुका है, अब हम इसमें दही डाल देंगे। और ये देखिए बाउल को इस तरह से चम्मच से साफ़ करके डाल लीजिए, पानी डाल के मत कीजिए यूज़। और ये देखिए दही डालने के बाद लगातार चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए इसमें उबाल आने देना है और ग्रेवी को अच्छे से पकाना है। 3 से 4 मिनट इस ग्रेवी को अच्छे से पका लेना है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 कटोरी फ्रेश हरे मटर। दही और मटर डालने से क्या होगा कि इसकी जो तासीर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, गर्म तासीर रहती है इसकी तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए दही ज़रूर डालें। मटर तो आप ना डालोगे तो भी चलेगा। और इसे ढक्कन लगा के अच्छे से पकाएंगे, 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए मसाला ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है पक के। तेल दिख रहा होगा आपको, तेल सॉरी घी, घी ऊपर आ गया है और ये मसाला हमारा बिल्कुल यानी कि ग्रेवी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और मटर भी सॉफ्ट हो गए हैं ढक्कन लगा के पकाए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राई करके यानी कि भून के जो हल्दी रखी थी वो डाल देते हैं। और अब इसे अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। तो सर्दियों में इस सब्जी को 2 से 3 बार यानी कि 4 से 5 बार भी आप खा सकते हैं, ज़रूर बना के खाइए। हड्डियाँ भी मजबूत होती है और किसी भी प्रकार का जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। और मिक्स करके अभी ढक्कन लगा के इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और बीच बीच में थोड़ा सा चलाते रहेंगे इस तरह से। और ये देखिए हमारी हल्दी की सब्जी लगभग तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। आप इसमें यहाँ हरे प्याज के पत्ते भी डाल सकते हैं। धनिया डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और ये हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है ये सब्जी। हल्दी का बिल्कुल भी कच्चापन या कसेलापन नहीं है इसमें। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरी रेसिपीज अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में।